नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ग्रहों की उच्च राशि, नीच राशि और मूल त्रिकोण राशि के बारे में बताया था। आज आपको बताते हैं कि सूर्य यदि अपने उच्च राशि यानी मेष राशि में बैठा हो तो क्या फल प्राप्त होते हैं। सूर्य काल पुरुष की पहली राशि मेष राशि में 10 डिग्री पर परम उच्च होता है। सूर्य राजा है और अपने सेनापति की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में उच्च का फल देता है। पहले आपको मेष राशि के बारे में बताते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है। मेष राशि का वर्ण क्षत्रिय है। मेष राशि चर राशि है, पुरुष राशि है। मेष राशि पित्र प्रकृति की है और मेष राशि का चिन्ह मेड़ा मेल बकरा होता है। रात्रि बलि है, क्रूर राशि है। मेष राशि से शरीर के अंगों में सिर का विचार किया जाता है। मेष राशि पाप राशि भी है। मेष राशि ऊर्जा आत्मविश्वास की राशि है। मेष राशि की दिशा पूर्व दिशा है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य से पिता, राजा, स्वाभिमान, अहंकार, सेल्फ रिस्पेक्ट, राजनीति, यश, प्रतिष्ठा, सत्ता, शक्ति, स्वास्थ्य, निष्ठा, एडमिनिस्ट्रेशन, मान सम्मान, आत्म सम्मान, औषधि, हड्डी, नेत्र, पराक्रम, दृढ़ शक्ति, सोना, तांबा, लाल रंग, प्रतापी और भव्यता का कारक भी है। सूर्य मेष राशि में हो तो जातक में शारीरिक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। जातक में आत्मविश्वास अधिक होता है, इच्छा शक्ति बहुत अधिक होती है और उत्साह बहुत अधिक होता है। चेहरे पर तेज बहुत होता है, विल पावर बहुत अधिक होती है। समाज में मान सम्मान अधिक प्राप्त होता है और प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करता है। जातक के पिता भी सरकारी ऑफिसर होते हैं या किसी संस्था में उच्च पद पर कार्य करते हैं। जातक में सेल्फ मोटिवेशन अधिक होता है, किसी की प्रेरणा उसे नहीं चाहिए। सूर्य मेष राशि में अगर बैठा हो तो उसे किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती है, वो औरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। उच्च का सूर्य जातक की कुंडली में पूर्व जन्मों का फल होता है। जातक को रंक से राजा बना देता है। जातक का शारीरिक गठन बहुत अच्छा होता है, बहुत मजबूत होता है, हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, नेत्र बहुत अच्छे सुंदर होते हैं, नेत्रों का रोग नहीं होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, सरकार में मंत्री या एमएलए बन सकते हैं, नेता हो सकता है, अभिनेता हो सकता है, स्वाभिमानी बहुत होता है और राजा के समान जीवन जीता है, अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायक होता है, काम के प्रति ईमानदार बहुत होता है और कार्य को पूरे जोश से पैशन से करते हैं, अपमान बिल्कुल नहीं सहते हैं। अगर सूर्य मेष राशि में केंद्र कोण धन भाव या लाभ भाव में हो तो ये बहुत शुभ फलदायक होता है, लेकिन छठे, आठवें और बारहवें भाव त्रिक भावों में सूर्य उच्च का हो तो भी बहुत अधिक शुभ फल नहीं देता है। और यदि पाप प्रभाव में हो तो शुभ फलों में कमी हो जाती है। नवांश कुंडली में सूर्य की पोजीशन भी जरूर देखें। छठे भाव, आठवें भाव, बारहवें भाव में हो या शत्रु राशि में हो तो शुभ फलों में कमी हो जाती है। सूर्य किस नक्षत्र में बैठा है ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। मेष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं,
जीरो डिग्री से 13 डिग्री और 20 मिनट तक केतु का नक्षत्र होता है। 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक शुक्र के नक्षत्र में होता है। और अंतिम चरण 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक सूर्य अपने ही नक्षत्र में होता है। सूर्य के नक्षत्र में हो यदि तो जातक में आध्यात्मिकता बहुत अधिक होती है, जातक की स्पिरिचुअल नॉलेज अधिक हो जाती है। यदि शुक्र सूर्य के नक्षत्र में हो तो जातक में क्रिएटिविटी बहुत अधिक होती है। अपने नक्षत्र में तो सूर्य लीडरशिप क्वालिटी भी देता है, अच्छा लीडर भी बन सकता है। मेष राशि में सूर्य यदि 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक हो तो ये वर्गोत्तम हो जाता है और बहुत अधिक शुभ फलदायक होता है। मेष लगन में सूर्य उच्च हो तो जातक को राजा मंत्री बना देता है, समाज में मान सम्मान अधिक होता है, जातक बहुत विद्वान होता है, धनवान बहुत होता है और राजा के समान जीवन जीता है, नेता बन सकता है। वृष लगन में सूर्य 12th हाउस में अपनी उच्च राशि में होता है, जातक को अपने जन्म स्थान से दूर रहने पर ही सफलता प्राप्त होती है। मिथुन लगन में सूर्य 11th हाउस में उच्च का होता है, जातक को सरकार से लाभ होता है, पिता से लाभ होता है और जातक की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है, जातक धनवान बहुत होता है। कर्क लगन, कर्क लगन में सूर्य 10th हाउस में अपनी उच्च राशि में होता है, 10th हाउस में सूर्य दिग्बली होता है और जातक सरकार में मंत्री हो सकता है, उच्च पद प्राप्त कर सकता है और यदि व्यवसाय करता है तो जातक का व्यवसाय बहुत अच्छा होता है, नौकरी में उच्च पद प्राप्त करता है और बहुत उन्नति करता है। प्रोफेशन बहुत हाई क्लास का होता है। सिंह लगन में सूर्य भाग्य भाव में उच्च राशि में होता है, जातक बहुत भाग्यवान होता है, पिता से अच्छे संबंध होते हैं, पिता भी उच्च पद पर होता है, पिता का मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में बहुत अधिक होती है। कन्या लगन, कन्या लगन में सूर्य 8th हाउस में उच्च राशि में बैठा होता है, त्रिक भावों में सूर्य उच्च का अधिक शुभ फल नहीं दे सकता है, हालांकि ये विपरीत राजयोग भी है, जातक धनवान बहुत होता है, जातक को विदेश यात्राओं से या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से धन लाभ भी होता है। तुला लगन, तुला लगन में सूर्य 7th हाउस में उच्च का होता है, 7th हाउस स्पाउस का होता है, जातक का स्पाउस रिच फैमिली से होता है, धनवान लेकिन गुस्से वाला भी होता है, स्वाभिमानी भी होता है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन में सूर्य 6th हाउस में उच्च का होता है, जातक शत्रुहंता होता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त करता है, व्यवसाय या नौकरी में कंपटीशन बहुत अधिक होता है लेकिन फिर भी अधिक संघर्ष करने के बाद भी बहुत सक्सेसफुल ही रहता है। धनु लगन, धनु लगन में सूर्य 5th हाउस में मेष राशि में उच्च का होता है, ये भावात भावम नियम है। धनु लगन में 5th हाउस में उच्च का सूर्य बहुत शुभ फलदायक होता है, भाग्य बहुत अच्छा होता है, पिता से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, संतान भी बहुत विद्वान होती है, जातक की अपनी एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है। मकर लगन, मकर लगन में सूर्य 4th हाउस में उच्च का होता है, जातक के पिता से संपत्ति मकान का सुख प्राप्त होता है, जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वाहन का सुख भी प्राप्त होता है, मानसिक खुशी बहुत मिलती है। कुंभ लगन, कुंभ लगन में सूर्य 3rd हाउस में उच्च का होता है, जातक में साहस पराक्रम अधिक होता है, स्पाउस भी बहुत गुस्से वाला होता है, थोड़ा वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम ही रहती है। लास्ट मीन लगन,
मीन लगन में सूर्य सेकंड हाउस में उच्च का होता है। जातक बहुत धनवान होता है। जातक उच्च पद प्राप्त करता है। परिवार में कुटुंब के सदस्यों से जातक के बहुत अच्छे संबंध होते हैं और मान सम्मान बहुत मिलता है। परिवार के सदस्यों का सहयोग भी बहुत बना रहता है। जातक गुस्से वाला भी होता है लेकिन धनवान बहुत होता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।